बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैंने आज बनाया है मैक्सिकन पास्ता। मुझे अभी नाम में भूल गए, सॉरी सॉरी व्यूअर्स, नाम में ज़रा एक मिनट में याद करती फिर आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चिकन को, जो भी ना चिकन को मैंने यहाँ पे मैरिनेट कर दिया था, सिंपली सोया सॉस डाल के। ये आपके पास कोई भी सॉस है, डार्क सॉस, बस मैंने सिरका नहीं डाला था, बाकी नमक मिर्च चिकन पाउडर और ये वो सब कुछ डाल के, दही डाल के इसको मैरिनेट कर दिया था आधे घंटे के लिए। और सारी वेजेस कट कर दी थी मैंने सब, इसमें कोई टमाटर डालता नहीं डालता, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि उससे अच्छा मुझे लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ी सी ग्रेवी, मतलब अच्छा ड्राई ड्राई नहीं होता, उससे थोड़ा जूसी जूसी बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा रखने, हाँ चिली फ्लेक्स मैंने इस पर डाली थी क्योंकि वो इसमें लाजमी डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ब्लैक पेपर भी आधा चम्मच ज़रूर डालिएगा। तो चिली फ्लेक्स मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, किसी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, नहीं तो हम लोग थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फिर आधे घंटे के बाद इसको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर इसको मैंने ऑयल में इसको पहले अच्छे से पकाया था, इसमें लहसुन अदरक मैंने पहले से डाल दिया था क्योंकि इस पर फिर ऊपर से स्पाइसेस मैंने कुछ भी नहीं डाले थे, लास्ट में मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च डाली थी क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी सी कम ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था प्याज, सब चीज़ें मैंने पहले से ही कट करके, मैंने नहीं रखी थी, मामा ने रख दी थी, सच बोल रही हूँ। क्योंकि मामा हमेशा मुझे सब्ज़ियाँ काट के देती हैं, मैं भी कट करके रख लेती हूँ, लेकिन माएँ आपको पता है ना जल्दी जल्दी काट लेती हैं, इसलिए मामा ने ही कट करके दे दी थी, इसीलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी से बना रही थी। हमारे घर में पास्ता या कोई भी स्वीट डिश होती है ना, वो मैं ही बनाती हूँ, बाकी मामा सालन वालन ये चीज़ें मामा बनाती है, वैसे मैं ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने प्याज डाल दिया था, फिर टमाटर डाल दिए थे, फिर मैंने बंद गोभी थोड़ा थोड़ा सा उसको पकाने के बाद सॉफ्ट होती जाती थी तो फिर ऊपर मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी थी। और ये शिमला मिर्च थोड़ी फ्रिज में मेरी पड़ी थी 2 से 3 दिन की, थोड़ी सी उसकी स्किन थोड़ी सख्त हो जाती है ना, फिर वो गलती नहीं है, खड़ी खड़ी रहती। तो हमारे घर में ये होता है कि प्लेट्स में ना जिसको कोई सब्ज़ी नहीं चाहिए थी वो निकालते रहते हैं, स्पेशली शिमला मिर्च को निकाल देते हैं, इतना शौक से नहीं खाते, मतलब कीमे वगैरह में सालन में खा लेते हैं, इस तरह नहीं खाते। यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ हो गई थी तो इसको मैंने फिर 5-6 मिनट के लिए ढक दिया था, तो अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई थी। तो मैक्रोनीज तो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने रखा हुआ था, इसी में मैंने ये हरी मिर्चें काट के डाल दी थी कि ये साथ ही इसके डल जाएंगी। तो फिर अब मैंने यहाँ इसमें डाल दी थी ये मैक्रोनीज और इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जब ये हुआ था अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया था, उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा ज़्यादा आता है, मतलब ज़्यादा फ्लेवर तेज़ नहीं होता बट टेस्ट अच्छा आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्चें डाल दी थी, वैसे आप लोग ब्लैक वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। फिर धनिया डाल दिया था मैंने, धनिया से थोड़ा ग्रीन ग्रीन लुक आ रही थी। तो ये था लास्ट में लेमन जूस। तो यहाँ पे पास्ता बिल्कुल रेडी था, और सबसे पहले जब कोई चीज़ बन रही होती है ना तो मैं साथ साथ ट्राई कर लेती हूँ, तो यहाँ मैंने पहले चख लिया था कि ठीक है, नमक वगैरह ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, हमारे घर में नमक तो ज़्यादा नहीं खाते, इस वजह से मैं नमक चेक कर लेती हूँ कि मुझसे, वैसे मैं नमक बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बहुत टेस्टी बन गया था। तो यहाँ पे मैंने फिर सर्व किया था प्लेट में इसको सैलड और लेमू के साथ, जिस तरह भी जिसको पसंद है, केचप वैचप ये वो, लास्ट में जिसने खानी थी खा ली। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा।